दोस्तों, ये वीडियो एक मजबूर असहाय पिता गुलाम हैदर के लिए है, जिसके चार बच्चे भारत में फंसे हुए हैं और उसकी पत्नी इनलीगल तरीके से उन बच्चों को लेकर भारत में घुस गई है और तरह तरीके से अब यहाँ से उसके पाकिस्तान अपने मुल्क को धमकियां दे रही है। गुलाम हैदर को आतंकवादी कह रही है, उस बच्चों के पिता को आतंकवादी कह रही है और तमाम सीमा हैदर के वो कारनामे A to Z अब खुलकर आ रहे हैं भारत और पाकिस्तान से। आज का वीडियो गुलाम हैदर और उसके बच्चों के लिए और सीमा हैदर की पोल पट्टी खोलने के लिए काफी है, क्योंकि ये महिला जब से आई है इसने धज्जियां उड़ाई है कानून की। लगातार ये गुलाम हैदर को यहाँ से गालियां दे रही है, धमकियां दे रही है, पाकिस्तान को तमाम चीजें कह रही है और ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि अपनी आवाज को बुलंद रखकर गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर तक पहुंचे। तमाम चीजें सोशल मीडिया पे फैल रही है। कल सीमा हैदर फिर लाइव आई थी, मोबिन मलिक जी को जिस तरीके से इसने अपशब्दों से नवाजा है, इस पे कानून का शिकंजा बहुत तेजी से और बहुत तगड़े तरीके से कस चुका है और इसी के साथ साथ अब ये इसको पूरी तरीके से पता चल चुका है। कल इसकी लाइव में वो चीजें नहीं थी जो तेवरी से दिखा रही थी, जो धड़ल्ले से चीज बोल रही थी, जो धमकियां दे रही थी वो नहीं था, लेकिन फिर भी ये इशारों इशारों में जो कह रही थी कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मतलब मेरे नाम से बहुत लोग कमाते हैं, जो इसकी अंजलि भाभी बदतमीजी से बोल रही थी, तो ये वहाँ पे थोड़ी सी चुप हो जाती है क्योंकि ये समझ गई कि मुझ पे बहुत तगड़ा एक्शन हो चुका है और वास्तव में इस पर तगड़ा एक्शन हो चुका है। जो लोग कह रहे हैं कि तुम बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, इसको पकड़ो ठूसो डाल दो जेल में, तो आपसे एक सवाल कहती हूँ, आपके मोहल्ले में जब इस तरीके की ज्यादती होती है, औरतें इस तरीके की अश्लीलता फैलाती है, अपने जो इनलीगल रिश्ते को पति से छुपा कर करती है, क्या कभी आप आवाज उठाते हो? सबसे पहले अगर ऐसी औरतें आपको अपने मोहल्ले में दिखती है ना, आप सबसे पहले आवाज उठाइए। सोशल मीडिया और टीवी चैनल तो बहुत दूर की बात है, हम इतने किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठ के इस पर आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हमारे देश का मामला है और जिस तरीके से महिला हमारे देश को एक गंदा मैसेज दे रही, गलत मैसेज दे रही है और इसके इस कारनामों के बाद जो देश के अंदर हुआ है ना, महिलाएं भाग रही है, तो ये बहुत शर्मसार और शर्मिंदा करने वाला मामला है। इस महिला की हरकतों से लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सदमे में, दोनों गुस्से में, दोनों खौफ में और दोनों उसमें है। ये वीडियो केवल गुलाम हैदर के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसके बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। गुलाम हैदर भाई आप आओ, ये कितना ही आपका कुछ कर ले कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि आपको परमिशन हमारे कोर्ट ने दी, हमारे कोर्ट ने आपको अथॉरिटी दी है कि आप भारत आए, अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़े, अपने बच्चों की बात को रखें, क्योंकि आपके बच्चों की माँ कुछ ऐसा गलत कर कर आई है कि वो आपका हक बनता है अपने बच्चों को आप ले जाए। एक पिता चाहे कितना ही मजबूर, कितना ही परेशान हो, जब उसके बच्चे फंसे होते हैं ना मुश्किल में, तो पिता अपनी जान हथेली पे रख के लड़ता है और गुलाम हैदर भी वही कर रहा है। हम लोग गुलाम हैदर के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंसानियत यहाँ पे शर्मसार हो रही है। महिला, चार बच्चों की माँ, बुढ़ापे में 45-40 साल की उम्र में ये वो कारनामा करके आई है। अगर इस तरीके से इसको बढ़ावा दिया गया, हमारे समाज की हर वो महिला ये कदम उठाएगी और ऐसा कारनामा करेगी। आज समाज में जो गलत संदेश जा रहा है उसको रोकने के लिए इस महिला को रोकना बहुत जरूरी है। ये जिस तरीके से गुलाम हैदर को आतंकवादी बताती है, लेकिन खुद ये वो लोग जो इसे सपोर्ट कर रहे हो, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता ये महिला किस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर घुसकर आई है और इसका मकसद अभी पता नहीं। मुझे कुछ कमेंट आए थे कि इसके चाचा पाकिस्तान की आर्मी में है और ये वहां 10 दिन ट्रेनिंग में जाती थी महीने में, तो कहीं ना कहीं देखिए दूसरे मुल्क की है, इसका इरादा पता नहीं। जो बॉर्डरों का जो होता है एक पासपोर्ट वीजा, उसको तोड़कर, वो नियम तोड़ के कानून का उल्लंघन करके भारत में घुसी है और भारत के वकीलों पर सवाल उठा रही है जो गुलाम हैदर के केस यहाँ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गुलाम हैदर अपनी पत्नी की मांग कर रहा है, अपने बच्चों की मांग कर रहा है, तो ये लगातार उसको धमकियां दे रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं, ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, इससे फायदा पाने के लिए इसकी गलत हरकतों पे पर्दा डालकर इसको यहाँ पे सही साबित करना चाह रहे हैं। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जाग चुका है, वो भी समझ चुका है कि ये महिला गलत कर रही है और इसका जो मैसेज है पूरे देश में गलत जा रहा है। आज भारत भड़क गया है, आज पाकिस्तान भड़क रही है, दोनों तरफ से लड़वाने की कोशिश कर रही है, गलत मैसेज भेज रही है जो कि समाज के तरीके से बिल्कुल गलत है
और ये मैसेज कोई भी भारतीय और कोई भी पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरीके से महिला कर रही है। तो इसका आज हनन होना, इसका पतन होना बहुत ज़रूरी है और वो हो चुका है, कानून का डंडा बच चुका है। आप लोग जो कह रहे हैं कि आप बैठे बैठे वीडियो बना रहे हो, आप पकड़ कर क्यों नहीं फेंक रहे, तो आपसे यही सवाल है, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके घर में ऐसी गतिविधि होती है, तुरंत विरोध कीजिए उसका। अगर आपने घर से विरोध करना शुरू कर दिया तो समाज और देश बहुत दूर की बात है, लोग ऐसा करना बंद कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन गलतियों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। लप्पू अगर शरण नहीं देता, लप्पू इस तरीके की हरकत नहीं करता, अपने देश में नहीं लाता और लप्पू का परिवार उसका साथ नहीं देता, ये महिला भारत में घुसना बहुत दूर है, ये पैर भी नहीं रख सकती हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में ऐसे ही देशद्रोही हैं, गद्दार छुपे हैं, जो ऐसी महिलाओं को उठा के लाते हैं और इनके मिशन को अंजाम देने में इनका साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों का विरोध करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं या किसी भी मुल्क के हैं, अपने देश से प्यार करते, जो आपके बॉर्डर के अंदर घुसकर इस तरीके की इनलीगल चीज़ें करता है, उनको पहले रोकें। मुझे किसी ने कमेंट किया था, आप सीमा हैदर पर सवाल कर रही हो, इससे भी पहले कई लोग आए होंगे, जाहिर सी बात है आए होंगे, जब इस तरीके से धोखा देके अपने बच्चों का इस्तेमाल करके बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गई, तो इससे पहले भी आए होंगे। अगर आज इसे नहीं रोका गया, इसके बाद भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये सीमा हैदर को नहीं रोका गया, इसको यहाँ पे जवाब नहीं दिया गया, इस पे कानून का शिकंजा पूरी तरीके से नहीं कसा गया, तो ये महिला, क्या इसके बाद भी महिलाएं आएंगी? इसने बोला है पाकिस्तान से महिलाएं आएंगी, ये अपने इशारों में मैसेज देती है लोगों को जो जेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान से और भी आने वाली है। तो इसका पाकिस्तान से और भी आने वाली है, इसका क्या मकसद है अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन मकसद जो भी है, ये बहुत गलत कर रही है, बहुत गंदा मैसेज दे रही है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। आप जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप देश के प्रेमी है ना, आप कहते हैं हम देश के प्रेमी हैं, हम देश को प्यार करते इसलिए कर रहे हैं, तो आप सनातन धर्म को बदनाम करते हो, कहते हैं हम सच्चे सनातनी है, तो इसकी तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान से आ रही है उसको देखिए ना, एक बार अपने दिल में हाथ रख के देखिए, अपने धर्म को सोच के देखिए, क्या सच में आप सच्चे सनातनी हैं? क्या आपका धर्म आपको इजाज़त देता है ये सब गंदगी करने का, आपको अधिकार देता है? बहुत शर्म आती कि आप सनातन के आड़ में गलत चीज़ें करते हो, बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि मैं भी सनातन धर्म से हूँ और मैं भी अपने धर्म के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। लड़ रही हूँ, लड़ूंगी, तब तक लड़ूंगी जब तक सांस रहेगी, गलत के खिलाफ तब तक लड़ूंगी। मेरे कुछ वीडियोज हैं सोशल मीडिया पे जो मैंने डाले हैं, पहले भी विरोध हुआ है, ऐसा नहीं आज ही विरोध हुआ है, चाहे ग्राउंड में है चाहे सोशल मीडिया पे, हर बार विरोध हुआ है और मुँह तोड़ जवाब भी दिया है और उसका मुँह तोड़ हम जवाब देंगे। यहाँ मोमिन मलिक सर एक पिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मजबूर है, असहाय है, परेशान है, उस पिता के सपोर्ट में हम, चाहे वो पाकिस्तानी है भाई, लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, उसके हक में उसके साथ हैं हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कल के दिन हमारे देश पर ऐसा कोई सवाल खड़ा हो कि एक पाकिस्तानी व्यक्ति अपने बच्चों की मांग करता था, हिंदुस्तान ने उस इनलीगल महिला का यूज़ करा, उसको रखा अपने यहाँ और उसके साथ नाइंसाफी करी, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे किसी भी देश से हमारे देश में ऐसा गंदा मैसेज आए। हमारे मोदी जी, हमारी सरकार है, हमेशा वो अपने देश के प्रति वफादार रहे, बहुत अच्छे काम किए, वो बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, बच्चे को भी उन्होंने क्या क्या किया है। तो वो हर देश में हमेशा अपने देश के लिए, वो विदेशों के दौरे ज़्यादा किए ताकि अन्य देशों से हमारे देश के संबंध अच्छे रहें, और बहुत अच्छे हैं, बहुत अवार्ड हमारे मोदी जी को, कई कई विदेशों में हमारे मोदी जी का नाम का डंका बजता है, भारत के अलावा अन्य देशों में भी मोदी जी के नाम का डंका बजता है कि मोदी जी हमारे, और योगी जी के बुलडोजर से हर कोई डरता है, और भगौड़ी को जो इनके भाई लोग सपोर्ट करते हैं, अब इनको पता है इसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, अब ये केवल और केवल भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं। और फाइनली आज आपने देखा होगा कि मोमिन मलिक सर ने बहुत सारी धाराएं और लगा दी, धारा पे धारा लग रही है, लेकिन इसके तेवर कम नहीं हो रहे। अब जब गिरफ्तारी होगी, एक हफ्ते का जो समय दिया है, गिरफ्तारी होगी, जो मानहानि का भी दावा किया, पास्को एक्ट भी, कई धाराएं लग चुके हैं, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं, उस पर ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब इनको बचाने वाला ऊपर वाला अल्लाह भगवान वाहेगुरु ईसु मसीह कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि पाप का जब अति हो जाता है, भगवान फिर साथ नहीं देते भाई। जो अपने घर की नहीं होती, अपने बच्चों की नहीं होती, अपने मुल्क की नहीं होती, अपने पति की नहीं होती, वो किसी की भी नहीं हो सकती। इसके एक प्रेमी ने बोला था पाकिस्तान से, कल आपने देखा होगा लाइव में, कि इसका बाप तड़प रहा था, कहा गया कि उनका अंतिम समय चल रहा है,
तुम आ जाओ, तो इसने अपना नंबर ही ब्लॉक कर दिया ताकि कोई इसे कह ही नहीं सके। उसके दूसरे दिन इसके पिता की डेथ हो गई थी। जो अपने बाप की मौत तक हो जाए वो औरत दूसरे देश में भाग रही, तो सोचिए वो उसका क्या क्या वो होगा। तो दोस्तों इतना ही बात आपको रखना था। गुलाम हैदर भाई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तानी भाई बहन कह रहे हैं कि गुलाम हैदर आएगा उसको कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने आपको आदेश जारी किया, हमारे माननीय कोर्ट ने आपको आदेश जारी किया है। तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कोर्ट की है, हमारे मोबिन मलिक सर जी की है। वो अपने इनविटेशन में आपको बुला रहे हैं। जितने भी पाकिस्तानी आएंगे सबका वेलकम है, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पे कैद हैं, आप उनकी लड़ाई लड़िए और कानूनी तरीके से अपने बच्चों को ले जाइए। हमारा भारत आपका पूरा सपोर्ट करेगा। 140 करोड़ की संख्या में कुछ ही लोग हैं, दो चार लोग जो ऐसे गलत का साथ दे रहे हैं, बाकी कोई भी भारतीय इसके सपोर्ट में नहीं है। और हम नहीं चाहते लोग सड़कों पर उतरे, हम चाहते कानूनी तरीके से आपके बच्चे आपको मिले, हम आपके साथ खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा समाज में अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को पहुंच सके। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रेरणा है जो समाज के लिए अच्छी एक सोच बन सकती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर रखूंगी और अपनी कहानी जरूर बताएगा। अगर आप गुप्त भी रखना चाहते हैं तो स्टोरी के माध्यम से उसको मैं रखूंगी। थैंक यू सो मच। तहे दिल से।